सर कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस साल टूरिज़्म भी अच्छा बढ़ा, खेलकूद सरगर्मियाँ भी हो रही हैं, तो आप इस सबको कैसे देखते हैं? जम्मू और कश्मीर बहुत ही वर्ल्ड के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से है और यहाँ का जो गोल्फ कोर्सेज हैं वो भी बहुत यूनिक हैं, बहुत उसमें नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज हैं और जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही अच्छा गोल्फ डेस्टिनेशन है, इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी। हम लोग गोल्फ को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट भी एनकरेज कर रहे हैं और दो एकेडमीज बनाई हैं रिसेंटली, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में, जो कि यंगस्टर्स को भी कोचिंग देगी और स्कूल चिल्ड्रन को भी एनकरेज करेगी टू टेक अप दिस इंटरनेशनल स्पोर्ट एट एन अर्ली एज। सर ये देखा गया है कि अभी भी लोगों में एक छवि सी बनी हुई है कि गोल्फ जो है बहुत कॉस्टली गेम है, आम लोगों के लिए नहीं है, तो इसको दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्या इकदाम उठा रही है, क्या स्टेप्स ले रही है? जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग फ्री कोचिंग स्कूल चिल्ड्रन की हम लोगों ने शुरू करी है यहाँ पर भी, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। सर आपने टूर्नामेंट्स की बात की तो जो गोल्फ से मुंसलिक जो कैडीज़ हैं उनका कहना है कि पिछले 2 साल से जो जब वबा थी, पेंडेमिक था, तो उनके लिए कोई टूर्नामेंट नहीं करवाया गया, जिस वजह से जैसे उनकी हौसला अफजाई हुआ करती थी, तो उसको करवाएंगे, वो बात कोविड की वजह से बहुत कम हुए हैं लेकिन उसकी व्यवस्था की जाएगी। कश्मीर गोल्फ के लिए बेहतरीन मकाम है, मैं तीसरी बार कश्मीर गोल्फ खेलने आया हूँ, ये गोल्फ का बेहतरीन कोर्स है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती लाजवाब है और ये मेरे पसंदीदा कोर्सेज में से एक है। यहाँ पर मुकाबला हमेशा शानदार होता है लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खेल का मजा लें। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर शबनम। मैम ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर, काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग रिसेंटली शुरू किया है हमने टूर्नामेंट, हम पार्टिसिपेट करना या खेलना भी, मैंने 2019 में किया है, इन्होंने 2020 में, इन्होंने भी 2019 में शुरू किया, इज बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस वी स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ विद आवर रेस्पेक्टिव हस्बैंड, सो नाउ वी आर एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Munish Arora. I am from Cannonable Entertainment Private Limited, the company which organizes this tour. So this is our third season. पहला हमने चंडीगढ़ में किया था, दूसरा नालदेहरा में और तीसरा अब हम कश्मीर में कर रहे हैं। तो ये बेसिकली व्यू नाउ ग्रुप है जिसका एक ब्रांड है लिनन डाटा, विच इज़ इन टू एच डेटा सेंटर्स। सो वो पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनके लिए डिजिटल हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस कप का जो नाम है वो है लिनन डाटा इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। तो जो मकसद है इसका, बेसिकली हर कल्चर को इकट्ठा करना और आपस में एक बोनोमी क्रिएट करना, वो हमारा मकसद है और उसके अलावा थोड़ा नेटवर्किंग भी होता है इसमें। सो आज का जो टूर्नामेंट है इसमें 100+ लोग खेल रहे हैं, जिसमें से कि अबाउट 68 श्रीनगर से हैं और अबाउट 32 जो बाहर से आए हैं टूरिस्ट।